जोहार हजारीबाग। अभी मैं रांची आया हूं और रांची में मेरे साथ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा टीबी मरीज़ों को ट्रीट किया है खुद से। टीबी में बहुत ऐसे बीमारी हो टीबी ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे से फैलती है, लेकिन ये डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 मरीज़ों को बिना डरे ट्रीट किया है, उनके साथ बात की है, उनको काउंसलिंग दी है, उनका मनोबल बढ़ाया है। अभी रांची में STDC डायरेक्टर हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर अनिंद्या मित्रा सर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। सर बताइए, आपने कैसे ये जो कीर्तिमान हासिल किया है और टीबी डिपार्टमेंट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं? पहली बात तो मैंने कीर्तिमान हासिल करने के लिए ये काम नहीं किया। 1990 में हमने टीबी एंड चेस्ट में स्पेशलाइजेशन करने के बाद उसके बाद हमारा जो है पोस्टिंग, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि टीबी सैनिटोरियम में एक छाती रोग विशेषज्ञ का ही पदस्थापना होगी, तो उसके तहत हमारी जो है पदस्थापना वहाँ पर हुई। और उसके बाद वहाँ पर उस समय नेशनल टीबी प्रोग्राम चला करता था जिसमें कि दवाई सुई देकर इलाज की जाती थी, और ये हमारा जो घर घर दवाई बांटने वाली बात है वो जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम या पुनरिश्चित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हुआ वो नहीं था। और उस समय 90s की बात कर रहे हैं, ये 1993 की बात मैं कर रहा हूँ जिस समय ये प्रथा चालू थी। और उस समय हम लोग कम से कम 3 महीने अस्पताल में जो सैनिटोरियम कॉन्सेप्ट था वो उस समय बरकरार था, और इट की टीबी सैनिटोरियम उसमें 400 बेडेड एक अस्पताल हुआ करता था जिसमें पूरे बेड फुल रहती थी। सब में सर टीबी के मरीज रहते थे। सर एक चीज बताइए, आपके परिवार भी होंगे उस टाइम में, घर वाले होंगे, परिवार क्या सोचते थे कि आप टीबी के मरीज के साथ रहते हैं? क्योंकि उस टाइम भेदभाव बहुत ज्यादा था, स्टिग्मा बहुत ज्यादा था। पहली बात तो ये कि उस समय सचमुच बच्चे छोटे थे तो डर लगता था कि भाई ये टीबी के रोगी के बीच में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके थोड़ी सी व्यापकता में या गहराई में जाएं तो टीबी का रोग संक्रमण होते के साथ हम ग्रसित नहीं होते हैं या फिर दूसरे को फैलाने लायक होते नहीं हैं। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य होता है कि अपने शरीर की जो प्रतिरक्षण क्षमता है या इम्यूनिटी है उसको बरकरार रखें ताकि आपको खुद बीमारी ना हो। संक्रमण आपको है लेकिन आपकी बॉडी अगर मजबूत है तो आपको वो बीमारी के रूप में तब्दील नहीं होगी, और जब तक ये नहीं होती है तब तक आप दूसरे को बीमारी फैला नहीं सकते। इसलिए आपको इस दौरान कभी टीबी हुआ कि नहीं? मुझे अभी तक ऊपर वाले की दया से नहीं हुई है, और ये मरीजों का आशीर्वाद भी है जो लोग ठीक होके गए हैं और जो रोते आते थे और मुस्कुराते घर जाते थे, उन्हीं का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा जो है वो रास्ता चलने का जो हिम्मत जुटाया और जो हमारा जो पुरस्कार है वो वही है। और सर 90s के बाद बहुत सारे चेंजेस भी आए प्रोग्राम में, कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम आया, RNTCP NTEP बन गया, तो उसके बाद आपने सब कुछ देखा, स्टार्टिंग RNTCP का, फिर NTEP, और फिर अभी जब नए प्रोग्राम आ रहे हैं, टीबी मुक्त भारत कैंपेन चल रहा है, इन सब चीज़ों में जो बदलाव आया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक समय था जब हम लोग एक व्यक्ति को उसका टीबी का रोग होने का इलाज करते थे, बस उतना ही तक हमारा जो है कार्य सीमित था। उसके बाद उस रोगी को घर से जाने के लिए छुट्टी दे देने के बाद उसका क्या हुआ, जब तक वो रोगी खुद हमारे घर में वापस नहीं आए, हमारे चेंबर में वापस नहीं, हमारे अस्पताल में नहीं आए, तो हमें जानकारी नहीं होती थी कि रोगी की क्या हुई। लेकिन आज के तारीख में हमारा सिस्टम इतनी उन्नत किस्म का हो गया है कि हमारा हर रोगी का इलाज खत्म होने के बाद भी 2 साल तक हम लोग देखते हैं कि रोगी सचमुच ठीक हुआ कि नहीं। ये लॉन्ग टर्म फॉलोअप का कंसेप्ट आया। जो हमारे रोगी, जो हम लोग पहले भी अपना प्रोग्राम में बताते थे कि आपको रोगी का इलाज शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर घर में जाकर देखो कि उसका घर में परिवार के कितने सदस्य हैं, कितने उनका जो है रहन सहन कैसा है, उनका घर में खिड़की दरवाजे कभी खुलते भी हैं कि नहीं हैं, उनका साफ सफाई बरकरार रखते हैं कि नहीं, उनका खाने पीने का तरीका क्या है, ये सारा चीज़ जो है जो प्रोग्राम में था लेकिन नहीं होता था, ये आज के तारीख में हमारा बाकी क्षेत्रों में कार्य के साथ ये कार्य को भी मजबूत किया जा रहा है। और जैसे अब टीबी मरीजों के साथ साथ घर वालों को भी मेडिसिन दिया जा रहा है, तो क्या एक ये व्यापक पहल है जिससे टीबी मुक्त भारत हो सकता है? ये हमारा जो राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम आज के तारीख में है, ये हर कदम को सोचकर एक एक कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमारा पहले से ही सोच था कि अगर हम ऐसा कोई दुकान खोलें जहां हम 2 व्यक्ति को राशन दे सकते हैं और 100 लोग आ जाएं तो हम किसी को भी राशन ढंग से नहीं दे पाएंगे, तो हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि जितने लोग मेरे द्वार में आएंगे उन सभी को समुचित हमको उसका लाभ देना है। तो इसी कदम में हम लोग आगे बढ़ते हुए टीबी के जो उन्मूलन कार्यक्रम में है इसमें कहीं भी छुपा हुआ रोग बचना नहीं चाहिए, इस ध्येय से हम ये लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का जो कार्यक्रम या PMTPT है, TPT है, इसको हमने इसमें सम्मिलित किया ताकि कोई भी रोग जो है वो जो संक्रमित है, परिवार वाले सदस्य 100 में कम से कम 90% तो कम से कम संक्रमित हो ही चुके हैं। तो और क्या लगता है सर, जैसे पोलियो मुक्त हो गया, टीबी मुक्त हो पाएगा?
ये हमारा ध्येय तो निश्चित रूप से रहेगा, लक्ष्य हमारा 2025 का है और अभी गिनती महीनों या घंटों या दिनों में है, लेकिन हम लोग ये लक्ष्य को आप सभी का सहयोग के साथ ये लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे और हम लोग का 2025 नहीं, हम लोग 2024 का दिसंबर तक इस लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प अगर करें तो निश्चित रूप से 25 में हम लोग को इसका लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हम लोग बात कर रहे थे रांची के एसटीडीसी डायरेक्टर डॉक्टर निंद्या मित्रा जी से, जिन्होंने 50,000 टीबी मरीजों को ट्रीट भी किया है और उनके साथ गए, उनके घर तक गए, काउंसलिंग किया और मतलब ऐसा कर दिया, एक माहौल बना दिया कि अब झारखंड के अंदर स्टिग्मा केस अगर आता है तो सर लोग खुद से डील करते हैं और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप टीबी मरीजों से कोई भेदभाव ना करें, टीबी ऐसी रोग है जिसको जल्द से मिटाया जाता है और वो कर रहे हैं। झारखंड की टीम काफ़ी लगी हुई है सर आप लोग की मदद से, उम्मीद है कि झारखंड टीबी मुक्त हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।